अही हर एक टारगेट नहीं करते क्योंकि वह सत्कारयोग है वीर है हिंदू भाईचारा साढ़े क्योंकि जेडे ये शरारती अंसर चाहे वह सिख कौम का हो चाहे मुसलमान कौम का हो चाहे किसी का भी वह कौमां दे नहीं होंगे भी जे तुहाड़ी जबान ते कंट्रोल होवे ते होर भी हजारा हिंदू इत्थे वसण दिया वा होर हजारा कौमां वसण दियां दूजे नूं क्यों नहीं यार कोई टारगेट करता तुहाड़ी जबान जिहड़ी आ जबान ही सब कुछ करवा दिंदी ये जबान जिहड़ी आ इहदे च हड्डी नहीं हुंदी पर यह हड्डियां तड़ा दिंदी आ उह काम इहदे नाल हो गया हुण परिवार की गल आ परिवार झूठ बोलन दिया कि साडे सिख कौम के आगू जां नौजवान सानू धमकियां देण दे जिहड़ा परिवार सूरी का उन्हां ते भी कोई मुसीबत कोई उन्होंने किरंतु करता तो असीं उन्हां दी रक्षा लई तैयार हाँ साडा उस परिवार नाल कोई वैर नहीं जिहदे नाल वैर ही उहदे नाल गलबात हो गई जिन्हें की उन्हूं सज़ा हो गई वह चल गया अंदर आपां यार धियां भैण वाले बच्चियां वाले हाँ यार कोई भी बंदा मरे तो मरिया वा उहदी भी गैरत इस चीज़ सुन के जागूगी भी यार अहीं इहनूं कहण कुछ नहीं डे ये साडियां बच्चियां तक धज्जियां डाई जांदा परिवार के नाँ के उत्ते कोई भी बंदा पैसा इकट्ठा ना करे कोई किसी नूं पैसा दे ना महाराज की कृपा वा चढ़दी कला वाला परिवार है किरती है बाकी जिहड़ी वकील साहिबान वगैरह प्रोवाइड कर रहे ने पंथ करवा रहे अज एक गोल्डी बराड गैंगस्टर वालों कनेडा के पोस्ट पा के इस सुधीर सूरी के कतल की जिम्मेवारी ले गई है वो बारे की कहना चाहो झूठा जी है वाला ये तो बस एवं न्यूज बनी जा रही वेखी जा रही सब कुछ झूठा वह किसी ना कोई लेना देना नहीं किसी ना कोई लिंक नहीं गा सत श्रीकाल जी रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं तां मैं हां सरवण सिंह रंधावा इस वक्त मौजूद हाँ संदीप सिंह दे घर दे बाहर जिस वलों सुधीर सूरी नूं गोलियां मार के जिहड़ा ओह कतल किया गया सी उस दे घर दीआं तस्वीरां जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं कि इस वक्त वेख्या जाए तो जिथे सुधीर सूरी दे घर की सुरक्षा जिहड़ी आ पुलिस वलों वधाई गई आ उत्थे संदीप सिंह दे घर दे बाहर भी पुलिस का जिहड़ा ओह सुरक्षा घेरा जिहड़ा वधा दित्ता गया तस्वीरां इस वक्त सांझियां कर रहे हैं तुहाडे नाल संदीप सिंह दे घर दे बाहर दीआं जिथे पंजाब पुलिस दे जवान इत्थे तैनात किए गए हैं पंजाब पुलिस की सुरक्षा जिहड़ी इत्थे तैनात की गई उत्थे नाल ही कुछ निहंग सिंह जथेबंदियों वालों भी इत्थे पक्का पहरा जिहड़ा दिता जा रहा क्योंकि वेख्या जाए तो बीते दिनी जिहड़ियां परिवार को कुछ धमकियां मिली सन जिस तों बाद जिहड़े सिंह ने उन्हां वालों पक्का पहरा इत्थे लगा दिता गया गलबात भी करांगे हाँ जी बाबा जी सब तो पहले अपना नाम दस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह दास जथा सिरलथ खालसा का मुख सेवा का दिलबाग सिंह हाँ जी बाबा जी जिहड़ा अज संदीप सिंह दे घर दे बाहर पहरा पक्का पहरा लगाया गया किस चीज़ नूं लैके लगाया गया बिल्कुल जी ये जिस तरह पहला भी शरारती अंसर जिहड़ियां शरारतां करदे सी ते उहदे करके ही ये काम जिहड़ा एडा तकड़ा अमृतसर दे विच होया ते हुण भी उह शरारती बंदे धमकियां देण दीआं परिवार नूं गल्लां करदे आ कि इहनां नूं छड्डांगे नहीं जां इहनां नूं माड़ी शब्दावली बच्चियां दे प्रति बोलदे आ वेखो मैं तो गल इहनां लोकां नूं समझाउणी चाहुंदा कि जिहड़ा बंदा जिहड़ा भी नलेकी करे हुण वेखो सूरी किड्डे साडी कौम च पाड़क पाउण वाले काम कीते हिंदू भाईचारे सिख भाईचारे च उहदे लफ्ज़ वेखो उहने कदी साडियां बच्चियां दे कह देना भी इहनां नाल खराब आ कदी गुरु धर्मां दे गेटां दे किरंतु कर देना कदी दस गुरुआं दे किरंतु कर देना कदी किसी ते किरंतु कर देना कदी किसी ते किरंतु कर देना कदी कह देना भी ये जिहड़े आ सिख कौम इहनां दे टोटे करके इहनां नूं पाकिस्तान भेज दो लिखो कोई इहनां नूं माड़ा चंगा कोई सिख कहिंदा सी इह सूरी नूं कि जिहड़े एड्डी सुजावली जिहड़ी गलत बोलदा सी ते जे हुण अज उह नौजवान उठ के जे आह काम करता उहने ते जे वेखो जिन्हें इंदिरा मारी ते असीं उस परिवार नूं तां नहीं ना कुछ आखिया इंदिरा टारगेट कीती ना जे बेअंत सौ मारिया तो वो परिवार को अज भी जिंदा वा अज भी बयान दिता वा उस परिवार को अं टारगेट कौम ने नहीं किया पर इन्ना जे इंदिरा मरी तो साडियां धज्जियां डालतियां दिल्ली के इन्ना कौम टारगेट की निके निके बच्चे साढ़े कुखा च भी इन्हें बच्चे मारते निके निके बच्चों के टायर पा के जां बजुर्गों के टायर पा के वेखो की कुछ इन्हें जिहड़ा कीता पर फिर भी जिहड़े साडा हिंदू भाईचारा साढ़े वीर साढ़े नाल रहिंदे ही असी उन्हां दे किते वाल विंगा नहीं होण तां उदों भी 84 च भी ते अज भी उह भाईचारे नूं असीं कहिंदे आ वी जिहड़ा लखां करोड़ां दा साडा इक दूजे नाल लैण देण आ पुराणियां दो दो तीन तीन पीढ़ियां दा संबंध आ साडा उन्हां नाल असीं जम्मे पले उन्हां नाल अहीं हर एक नूं टारगेट नहीं करते क्योंकि वह सत्कारयोग है वीर है हिंदू भाईचारा साढ़े क्योंकि जिहड़े ये शरारती अंसर चाहे वह सिख कौम का हो चाहे मुसलमान कौम का हो चाहे किसी का भी वह कौमां दे नहीं हुंदे ये शरारती अंसर जिहड़े हिंदू धर्म के विच भी जिहड़े आप बने जिहड़े प्रधान हुंदे जां आप बने आगू हुंदे आ इह जिहड़े आ इह किसी भी कौम दे जिहड़ा कोई देन नहीं हुंदी कौम नूं इहनां दी ते पर इह जिहड़े तकड़े हो गए नारा जिहड़ा वा कहिंदे तकड़े हो जाओ आपां मारे गए आपां उह हो गए आपां इह हो गए ये कौम को भड़काने से अलावा होर कोई काम नहीं करते
तो नुकसान जिन्ना भी जिहड़ा कीता ने भाईचारे का बड़ा किया इन्हें लफ्ज़ अज भी हिंदू वीर मैनू अज मिले जां उदन भी मिले उदन दे मिल रहे वो कहिंदे भी बहुत वधिया हो गया जिहड़ा ये जिहड़ा वा ये साढ़े भाईचारे च बड़ी पाठक पाउण डिआ सी अपने रिलेशन बड़े वधिया वा ये निके निके बच्चियां ते जिहड़ा वा मना दे विच जिहड़ा मणिबल जिहड़ा तोड़न डिआ सी एक दूजे दे सिख हिंदू प्रति जिहड़ा वा वह वैर जिहड़ा वा वह पैदा जिहड़ा करन डिआ सी। पर मैं गल करदा वां कि जिस तरह परिवारां दी गल जिस तरह हुण सूरी दा परिवार आ इहनां नूं मरवाउंदी इहनां दी जबान जिस तरह वो तुम एक पत्रकार तुहाडा सत्कारयोग वीर आ छिकू लेके गया वो मूँह दे पाउण वास्ते जिहड़ा बल्ट प्रूफ पाउण डिआ भी जे तुहाडी जबान ते कंट्रोल होवे ते होर वी हज़ारां हिंदू इत्थे वसण डिआ वा होर हज़ारां कौमां वसण डिआं दूजे नूं क्यों नहीं यार कोई टारगेट करदा तुहाडी जबान जिहड़ी आ जबान ही सब कुछ करवा दिंदी कहिंदे नहीं हुंदे भी यही जिहड़ी आ ये तख्त पा दिंदी ते यही हड्डियां तड़ा दिंदी आ ये जबान जिहड़ी आ इहदे च हड्डी नहीं हुंदी पर यह हड्डियां तड़ा दिंदी आ वह काम ये ना हो गया हुण परिवार की गल आ परिवार झूठ बोलन डिया कि साडे सिख कौम के आगू ज नौजवान सानू धमकियां देन डे जिहड़ा परिवार सूरी का सत्कारयोग भैणां वा साडियां बच्चियां वा साडियां उन्हां ते भी कोई मुसीबत कोई उन्हां ते किरंतू करदा तां असीं उन्हां दी रक्षा लई तैयार आ साडा उस परिवार नाल कोई वैर नहीं जिहदे नाल वैर ही उहदे नाल गलबात हो गई जिन्हें कीती उहनूं सज़ा हो गई वह चल गया अंदर। पर जे असी परिवार की गल करिए साडा भी कोई सिख कौम का कहे भी उहदा परिवार नहीं रहिण देना पर अं बरखिलाफ़ होवांगे क्योंकि परिवार की कोई गलती नहीं जे परिवार के कोई नौजवान मुंडा ज कोई परिवार की बीबी ज कोई भैन लफ्ज़ गलत बोले कौम प्रति कौम नूं टारगेट करे फिर अं जरा वा वो खिलाफ़ आ नहीं तो वो हक के परिवार क्योंकि साढ़े गुरु पीर ने सिखाया ही यो आ कि धी भैन भावें दुश्मन की भी हो तो वो भी बचिया रख्या करनी तुसी। पर बाबा जो संदीप सिंह वालों किया गया जिहड़ा शरेआम इस तरह गोलियां मारिया गई की लगता है कि बिल्कुल जिहड़ा सही होया है जो भी हालात बने क्योंकि उस तो बाद लगातार अमृतसर के हालात जिहड़े तनावपूर्ण बने हुए बिल्कुल भीरे मेखो हुण मैं तुहाडी गल करदा वा कि जे रोज़ मेरा बयान हो कि मैं जिहड़ा हिंदू भाईचारे नूं टोटे करा तो मैं इनू सुटा पाकिस्तान ये कौन होंगे इतने रहने वाले से मेरा कला सिखा का राज चाहिए मैं कह मैं हिंदू धर्म दियां धीआं ते भैणां नाल खराब आ उन्हां नाल मैं गलत आ उन्हां नूं मैं इदां करूँ उन्हां यार तुसीं किन्ना चिर बर्दाश्त करोगे तुहाडी अणखणा जागूगी अणख जागूगी ना तुहाडी आपां यार धीआं भैण वाले बच्चियां वाले आ यार कोई भी बंदा मरे तो मरिया वा उहदी भी गैरत इह चीज़ सुण के जागूगी भी यार अहीं इहनूं कहिण कुछ नहीं डे ये साडियां बच्चियां तक धज्जियां डाई जांदा इस करके मैं वह कहना भी जो होया मैनू इस चीज़ का कोई तकलीफ कोई दुख नहीं क्योंकि जे मरवाया सूरी नूं ते सूरी दी जबान ने मरवाया जे कोई कोई भी कौम नूं टारगेट करेगा किसी की भी कौम मैं एक दी गल नहीं करता चाहे हिंदू धर्म की कौम आ चाहे मुसलमान धर्म की कौम है चाहे ईसाई आ जां सिख आ इह जदों भी कोई कौमां नूं टारगेट करता ना जे बंदे नूं तूं जां तूं मैनूं कर ला जां मैं तेनूं कर ला वो एक वक्खरा मैटर आ भी अपना आपसी कोई रंजस आ ते आपां कर सकते हैं पर जे कौम की गल करिए भी हुण गलती तेरी आ ते कौम नूं टारगेट करिए उहदे च फिर गल ते कौम ते फिर जागदी आ कोई ना कोई मर्द ते हर एक कौम च हुंदा ही आ भी जिन्ने फिर वो एक्शन लेना हुंदा जे ले लैंदे आ ते फिर कह दिंदे आ आतंकवादी हो गया अतवादी हो गया यह गैंगस्टर हो गया वो कपड़े की दुकान करने वाला मुंडा नौजवान गैंगस्टर तो याद आया कि गोल्डी बराड गैंगस्टर कनेडा के बैठा इस कतल दी जिम्मेवारियां लै रहा कि यह साडे वल्लों करवाया गया भाई साहब ये TRP के सारे चक्कर आ कोई चक्कर नहीं आ ये नौजवान जिहड़ा वा ये नौजवान का किसी नाल संबंध नहीं असी 328 सरूप का मोर्चा लाया है दरबार साहब ये सारा परिवार उत्थे साढ़े को भी आता रहा हाजरी भरता रहा ये बड़ा पहले दिनों ही जिहड़ा मोड आ ना कहिंदे नहीं हुंदे नसलां ते फसलां जिहड़ियां वो शकलां तो दिख पैंदियां ते ये जिहड़ा ना इन्हां नूं पहलों ही कौम प्रति थोड़ा दर्द ते प्यार हैगा ही इन्हां दा कौम प्रति ते जदों कोई ये टारगेट करता ही ते वो जिहड़ा कोई मरे तो मरे जमीर वाला भी थोड़ा जिहा यार गल तो कर ही दिंदा ना कोई भी किन्ना मरिया जमीर का यार आ बंदा यार क्यों साडे बारे ये गल करता असीं दे बारे गल नहीं करते तो वह नौजवान की टाइम तो ही इतों कोई परिवार दसन डिया कोई साडे नाल कोई गलबात नहीं इहो जी कोई उन्हें परिवार च कदी नहीं गल की भी मैं सूरी नूं मारना जां कदी कोई गल नहीं हुई भी मैं कि सिवसन वालों नूं मारना कोई इहो जी साडे बच्चियां नाल खेडदा गया वा तो उतों भी फोन किया भी मैं कपड़ा इदा सैट कर दिया किदा करना तो तू वे भरा कहा भी तू आ गए कर दे उतों तक एक घंटा पहलों तक उन्हें यह नहीं पता भी मेरे तो गुरु साहब ने आह काम करवा देना वो पता नहीं मणिबल एकदम किदा आ गया जो कर्मों के ही जो हथों ओ मौत लिखी ही तो एकदम वो मन के
बिल्कुल ही मणिबल जिहड़ा उहदा इदां दा बन गया कि उन्हें उस वेले कढ़िया हथियार तो उन्हें वेखो इन्ना प्रशासन घेरे घेरे होए तो बंदा तो उदा ही डहल जाता भी इत्थे बनूगी मेरा भी इन्नियां जिन्ने हथियार आ एक एक गोली भी माड़ी दशी ना छाननी छाननी हो जाना पर यह बड़ा तगड़ा कलेजा तो बड़ी तगड़ा जिगरा हुंदा वा भी जिहड़ा यह काम बंदे ने कर जाना बिना सोचे तो। तो पर बाकी इस परिवार की गल मैं उस परिवार की भी गल करदा वा तो मैं इस परिवार की भी गल करदा भी इस परिवार वाले जे कोई अख भर के भी बहिंदा तां अहीं उहदियां अखां कढ लांगे क्योंकि परिवार की कोई गलती नहीं परिवार दे असीं नाल आ ते नाल ही रहांगे हर टाइम जिहड़ा जथेबंदियां इत्थे जिहड़ा आप अपनी ड्यूटी दे नाल अपने टाइम दे नाल इत्थे ड्यूटी देंदे आ ते हर बंदा जिहड़ा वा अपनी ड्यूटी दे के अपने टाइम सिर क्योंकि सारे किरती सिख आ ते अपने टाइम से फिर चल जाते उन्हां चिर नूं दूजा आ जांदा दूजे की जिम्मेवारी लग जाती है। भाई किस तरह जिवें बाहर सिंघां वालों पहरा दिता जा रहा नाल हुण पंजाब पुलिस के जवान भी जिहड़े तैनात किए गए हैं संदीप सिंह वालों सुधीर सूरी का जिस तरह कतल जिहड़ा किया गया गोलियां मार के सब तो पहले उस बारे की कहना चाहो। देखो सारे तुसीं जाणदे हो जिहड़ा सुधीर सूरी सी उह किस तरह सिखां नूं जिहड़ा सीगा घरों कट कट के मार दियां गल्लां करदा सी कहिंदा सी 2% मसल के रख देंगे तीआं भैणां दे प्रति उहदी किदां दी शब्दावली सीगी सो सारा कुछ तुहाडे सामने ही है सरकारां दे वल्लों ईवन उल्टा उन्हां नूं सिक्योरिटियां प्रोवाइड कीतियां गईआं सीगियां पर असीं अपना फर्ज समझदिया होइआं जिहड़ा वा उह परिवार नाल खड़े हाँ क्योंकि परिवार नूं बहुत ज़्यादा थ्रैट्स जिहड़ियां सीगियां उह दित्तियां जा रहियां सीगियां सो असीं अपने पद्धर दे उत्ते जथेबंधक ढांचे अनुसार जां पंथक तौर दे उत्ते सेवादार होण दे नाते परिवार नाल बैठे हाँ जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 3 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SHO ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਾਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਹਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਹਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਝੂਠਾ ਜੀ ਹੈ ਭਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਆਏ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਵਰਵਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਲ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣੇ ਵਰਵਲੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਸ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਹਿਰਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾਵਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਬਜਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।